बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सुनो जी सर, ये सब न कहीं और जाकर ड्रामा करना, मेरे सामने ये सब ड्रामा करना करके देख लो आंदोलन। मैं सर, हम लोग का शौक नहीं है करेंगे। शौक नहीं है करके देख लो। सर हम लोग का बाहर निकलो यहाँ से। चलो चलिए, हम लोग का जायज मांगा। सॉरी सर, धमकी नहीं सर। सॉरी सर, तमीजी बर्दाश्त के बाहर निकलो सर। लीव पर रूम आई सर। सॉरी सर, सर से बात कर रहे हैं। हिम्मत कैसा हुआ तुम्हारा? सॉरी सर, बाहर निकल। बेटर बाहर निकल। दोस्तों, बिहार के आईएएस और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिकायत लेकर पहुंचे पैरामेडिकल के छात्रों को प्रत्यय अमृत धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने छात्रों को धक्का मरवा कर बाहर तक निकलवा दिया। दरअसल पैरामेडिकल के छात्र समस्या लेकर प्रत्यय अमृत के पास पहुंचे थे और अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अचानक प्रत्यय अमृत भड़क गए। उन्होंने छात्रों को धक्के दिलवाकर बाहर निकलवा दिया। दरअसल अपनी मांगों को लेकर पैरामेडिकल के छात्र इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने हाल ही में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी। तेजस्वी यादव को छात्रों ने अपनी समस्याएं सुनाई थी, जिसके बाद भी तेजस्वी यादव ने छात्रों को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखने को कहा था। इसके बाद ही छात्र अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मिलने पहुंचे थे। छात्र अपनी समस्या बताने अपर मुख्य सचिव के पास पहुंचे तो प्रत्यय अमृत अचानक से भड़कते हुए नजर आए। नाराज अपर मुख्य सचिव ने छात्रों को जेल भेजने की धमकी दे डाली और कहा कि आंदोलन करने का शौक है तो करके दिखाओ। प्रत्यय अमृत इतने पर ही नहीं रुके, हालांकि छात्र सॉरी सॉरी करते रह गए, लेकिन गुस्से में तमतमाए प्रत्यय अमृत ने छात्रों को धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पैरामेडिकल के छात्र बीते कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया और बैनर पोस्टर लेकर मार्च भी निकाल रहे हैं। छात्र छात्राओं की मांग है कि पैरामेडिकल काउंसिल का जल्द गठन किया जाए। इसके अलावा बिहार पैरामेडिकल सत्र को नियमित किया जाए, ये मांग भी है। मेडिकल छात्रों को स्वीकृत पेड इंटर्नशिप दिया जाए, साथ ही हॉस्टल की व्यवस्था हो और ग्रेजुएशन यूजी पारा मेडिकल और मास्टर डिग्री की पढ़ाई भी शुरू की जाए। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। तीन बैच का भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ, 5 साल हो गया। सत्र लेट चल रहा है, उस सब का एग्जाम एक बार में लेंगे, इससे छात्रों का समय बचेगा। एक लाइन सर, और सिर्फ एक बार तीन सर एक साथ ले लेंगे। एक लाइन सर, सबका एग्जाम अगर नया एग्जाम कर लो सर। एक लास्ट पॉइंट सर, ड्यूरेशन बच्चे का ज्यादा होने का कारण क्या है कि जो बच्चे एग्जाम देते हैं सर, नियमावली में जो है कि 10 महीना का अटेंडेंस मैंडेटरी है। तो जो बच्चा सर एक बार एग्जाम दे देता है डिप्लोमा, एक तो सेशन लेट है, उसमें बच्चा मान लीजिए सर एग्जाम दिया, 6 महीना बाद रिजल्ट आता है। बच्चा एग्जाम देने के बाद ही ड्यूटी करना स्टार्ट कर देता है, क्लास करना स्टार्ट कर देता है सर। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब से अटेंडेंस काउंट होता है। तो 6 महीना अगर जोड़ ले 2 साल का तो 12 महीना ऐसे बढ़ जाता है सर। तो वो एक लाइन अगर एडिट हो जाएगा सर, वो लाभ हो जाएगा सर। जो भी सर, हम लोग 20 बैच हैं सर, परेशान है सर। अब आपके अलावा कोई नहीं है सर, क्योंकि सर बिहार में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को अभी पीएम से जैसे शूट में 1000-1500 आंख का डेली जांच होता है, उसमें हमारे ही स्टूडेंट लोग के भरोसे ही चल रहा है। एक्सरे भी स्टूडेंट लोग नहीं करता, अगर एक दिन स्टूडेंट लोग स्ट्राइक कर दे रहे हैं तो काम नहीं हो पा रहा। हम लोग मजबूरन सर कर रहे हैं कि बिहार में इस तरह का हो जिससे कि पैरामेडिकल छात्रों का भविष्य संवर सके। और सर, नया कोर्सेज अभी शुरू किया गया है, उसका अभी तक कोई नियमावली नहीं है। सिलेबस गया है लेकिन उसका कोई नियमावली नहीं है। बच्चों का भविष्य क्या होगा, बच्चों को छात्रावास के लिए एनएमसीएच में भेजा जाता है, बोलिए ना, बिना सब दिए नहीं दिए वाले। बस आपके हैंड में सर, हम हाथ जो प्रार्थना करेंगे सर। परेशान है सर, क्योंकि 10 से आंदोलन करना मजबूरी है सर हमारी।
अगर आप नहीं चाहेंगे सर तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। ऐसे आंदोलन करके देख लो मेरे टाइम में जेल भेज देंगे। आप चाहेंगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। उतना सुनो जी सर, ये सब ना कहीं और जाके ड्रामा करना, मेरे सामने ये सब ड्रामा करना करके देख लो आंदोलन। मैं सर हम लोग का शौक नहीं है, शौक नहीं है करके देख लो। सर हम लोग का बाहर निकलो यहाँ से, चलो हम लोग का जायज मांग धमकी नहीं सर, सर सर बदतमीजी बर्दाश्त है बाहर निकलो सर, लीवर रूम आई सेड सॉरी सर। सर से बात कर रहे हैं गलती निकला, हिम्मत कैसा हुआ तुम्हारा? सॉरी सर बेटर भी सॉरी निकले निकले बाहर निकले नहीं है बात करने बाहर निकले।